हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो पे चर्चा करेंगे राहु और गुरु का जो योग बनता है, गुरु चांडाल योग, आपके लग्न कुंडली से लेकर द्वादश भाव तक बैठेंगे तो कैसे फल देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा, तो लाइक करें और दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करें। तो राहु, राहु जो है ना, परिवर्तन के साथ आपको करोड़ों और अरबों का मालिक बनाता है। राहु वह ग्रह है जो मिट्टी को सोना बना देता है, और फिर अगर बिगाड़ने पे आए तो सोने को भी मिट्टी बना देता है। राहु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुण है। यह एक राक्षसी प्रवृत्ति का ग्रह है, लेकिन याद रखिएगा अमृत का अंश भी राहु खा चुका है, इसलिए उसके अंदर देवत्व भी है। आपने देखा होगा सांप काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर सर्प का जहर ही उस जहर को काटता है, माने सर्प का जहर ही में जीवन देता है। तो राहु के नाम पर नकारात्मक या भ्रामक विचार ना पाल के रखें, या प्रत्येक भाव में सकारात्मक प्रभाव देता है और प्रत्येक भाव में नकारात्मक प्रभाव देता है। इंसान को बलशाली बनाने पे आ जाए, प्रभावशाली बनाने पे आ जाए तो प्रभावशाली बना देता है। आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं उनके ऊपर राहु की विशेष कृपा है, राहु शुक्र की कृपा है, तभी वो महान बने हैं। आप झटके में राहु और शनि को गाली दे सकते हैं, लेकिन राहु शनि कुछ अनुचित नहीं करते, वो वही करते हैं जो आपके नेचर में होता है। आपके अंदर कहीं ना कहीं बीज है, उस बीज को प्रस्फुटित कर देते हैं, पुष्पित पल्लवित कर देते हैं। राहु के कारण बड़े बड़े लोग, माने जो बड़े लोग हुए हैं, राहु के कारण ही ऊंचाई को प्राप्त कर सके हैं। चाहे आप इंदिरा गांधी जी कुंडली ले लें, अटल बिहारी वाजपेयी जी कुंडली ले लें, मनमोहन सिंह की कुंडली ले लें, इन लोगों के प्रधानमंत्री बनने में राहु का ये योगदान रहा है। तो आज चर्चा करेंगे इस कुंडली पे, इस वीडियो पे, कि गुरु चांडाल योग अगर आपके लग्न में बनता है तो क्या फल देगा। अगर आपके लग्न में गुरु चांडाल योग बनता है तो आपका व्यक्तित्व जो होगा रहस्यात्मक होगा, आपको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। आप अगला कदम क्या उठाएंगे किसी को कुछ भी नहीं पता। यह योग मेष में बना है, अब कर्क में बनेगा, सिंह में बनेगा, वृश्चिक में बनेगा, धनु में बनेगा, मीन में बनेगा। यहाँ पे गुरु प्रभावशाली होंगे, आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। यद्यपि राहु का प्रभाव तो आपके ऊपर रहेगा, हींग की दुर्गंध तो रहेगी, लेकिन केसर उस दुर्गंध को ढकेगी। यहाँ पे गुरु को अगर बला बल प्राप्त है तो आप रहस्यमय व्यक्तित्व हैं, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए, संस्था के लिए आप बहुत काम करने वाले हैं। आपके अंदर ज्ञान का फुट ज्यादा होगा। यहाँ पे यदि लग्नेश पाप पीड़ित हो गया तब यह राहु आपके व्यक्तित्व को हैंग कर लेगा, आपको नकारात्मक बना देगा। संसार में जितने बड़े आतंकवादी हैं जिनको दूसरों को मारने में आनंद आता है, उनकी कुंडली में यह योग ज्यादातर दिखा रहता है। गुरु चांडाल योग हो, मंगल भी साथ में बैठ जाए, शुभ भावों में ना बैठे, तो ऐसे व्यक्ति को दूसरे को मारने में आनंद आता है। रक्त बहते हुए देखना उसके लिए सर्वाधिक आनंद का विषय होता है। तो यहाँ पे जब गुरु पाप प्रभाव में आएंगे, गुरु नकारात्मक आएंगे, तभी आपका व्यक्तित्व नकारात्मक होगा, वरना आपका व्यक्तित्व सकारात्मक होगा। आपके अंदर खोज करने की, अनुसंधान करने की एक विशेष प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आपको उजागर करना चाहिए, उस प्रतिभा को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप थोड़े से जिद्दी हो जाएंगे, रिजिड नेचर हो जाएंगे, बड़ों की बातों को आप अनसुना करना शुरू कर देंगे, ये आपके पतन का कारण बनेगा। इसलिए अगर आपके कुंडली में लगन में आपके गुरु चांडाल योग बना हुआ है तो आप अपने गुरुजनों की बात माने। हो सकता है आप गुरुजनों की बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन अगर आप कल्याण चाहते हैं अपना तो गुरुजनों की बातों को मानना पड़ेगा। गुरु को स्वत्व प्रदान करें, आपके जीवन में स्वत्व हो। गुरु चांडाल योग सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में गुरु चांडाल योग निश्चित रूप से आपको अभक्ष चीजें जो है भक्ष कराएगा, माने जो चीजें खाने योग्य नहीं है उनको आपको खाना पड़ेगा। यहाँ पे नशा कराएगा, जो लोग स्मोकिंग बहुत इजीली कर लेते हैं, अभक्ष खा लेते हैं,
अच्छे कुल में पैदा हुए जिनके यहाँ कभी अंडा भी नहीं बनता था, वो प्रॉपर तरीके से मुर्गी की टांग खींचते हैं, उनके कुंडली में यह योग बना हुआ है। ये लोग अच्छी क्वालिटी को झूठ बोलते हैं। इनका जो व्यक्तित्व होता है ना, इनकी जो वाणी होती है आकर्षक होती है, ये अपने वाणी में किसी को भी उसको मोह लेते हैं। एक वर्ड होता है फंसा लेना, तो फंसा लेते हैं। ये लोग बहुत अच्छे क्वालिटी के चीटर होते हैं। तो आप क्योंकि आपका वाणी का जो घर है वो राहु ने हैंग कर लिया, अब इसी के माध्यम से ये धन कमाते हैं। तो जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं ना, उनके कुंडली में इस तरह के योग होते हैं। या जो बीच में लोगों को आकर्षक पॉलिसी बेचते हैं और बीच में भाग जाती हैं उनकी कंपनियां, वो इन लोगों के कुंडली में ऐसे योग होते हैं। तो आपके यहाँ वाणी खराब होगी, आपका व्यक्तित्व में झूठ बोलने की आदत आ जाएगी, इसलिए समाज में आपको मान सम्मान की हानि हो जाएगी। आप पैसे के पीछे पागल हो जाएंगे, बहुत पैसा कमाना चाहेंगे, आप नशे के आदि हो जाएंगे। अगर लग्नेश ठीक ठाक है तो अपने आप को संभाल ले जाएंगे, नहीं तो राहु आपको नशा कराते कराते गर्त में डाल देगा, नाली में डाल देगा। इसलिए अपने कुंडली को देख के गुरु को सुभक्त प्रदान करें और राहु की चीज़ों का दान करें। तृतीय भाव, तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है। तो राहु यहाँ पराक्रम करने में उसको आनंद आता है। तो अगर गुरु को भावों में सुभक्त प्राप्त हुआ, माने गुरु के जो मित्र ग्रह हैं उनका तृतीय भाव हुआ या गुरु का हुआ, तो यहाँ आप कर्म के द्वारा संसार में वो चीज़ें प्राप्त कर लेंगे जो लोगों को आश्चर्यजनक लगते हैं। आप ऐसे साहस करेंगे जिसको लोगों को देख डर लगता है। जो एडवेंचर टाइप लोग करते हैं ना, पहाड़ से कूद जाना, मगरमच्छ के बीच में घुस जाना, हाँ मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल के निकाल लेना, वो यही लोग होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर अपार साहस होता है। वो शेर से आत्मचोरी करते हैं, सर्प के फन पे हाथ मार देते हैं। तो मौत को गले लगाना या मौत से अटकेलिया करना इन लोगों की एक शौक होता है। हाँ, यहाँ पे लग्नेश भी ऐसे होना चाहिए। अगर मंगल लग्नेश हो गया तो यहाँ पे शौक बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। सूर्य हो गया तो बुरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि शरीर में भी दम है और यहाँ पे तृतीय भाव में मंगल और राहु, गुरु और राहु बैठ के आपको साहस प्रदान कर देते हैं। आपके मित्र भी ऐसे होते हैं, मित्र बंधु बांधव भी आपके ऐसे ही होते हैं, उन कार्यों में आपको सपोर्ट करते हैं। तो तृतीय, आप घर में बैठा हुआ जो चंडाल योग है, बना हुआ चंडाल योग है, आपको मेहनतकश बनाता है, पराक्रमी बनाता है। लेकिन अगर सही डायरेक्शन नहीं मिला तो ये पराक्रम आपको आतंकवाद तक ले जा सकता है, संसार को विनाश तक ले जा सकता है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन माता सुख का मूल। यहाँ पे चंडाल योग बनने से सारी चीज़ों की हानि हो जाएगी। अगर चतुर्थेश पीड़ित हुआ तो आप आरंभ काल में ही माता को खो देंगे, बचपने में ही माता जी आपकी नहीं रहेंगी, आपका पालन पोषण कहीं और होगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप तरस जाएंगे। और जो तड़प है ना, ये जो तड़प रहेगी इसको राहु विस्फोटात्मक स्थिति में कन्वर्ट कर देगा। तो जब आप बड़े होंगे तो आपको लगेगा सारा मैं कैसे भी करके, सही तरीका गलत तरीका मुझे पता नहीं है, मुझे सारी चीज़ें चाहिए। मेरे पास एक पंखा नहीं था इसलिए मैं लाइफ में एसी लगवाऊंगा, मेरे पास एक टूटा हुआ कमरा था इसलिए मैं बड़े बड़े मकान बनवाऊंगा, ऐसा व्यक्ति करता है। तो फिर वो गलत तरीके से जो भी समाज में संसाधन है उसको कैप्चर करता है और कैप्चर करके सब कुछ भरता है, क्योंकि उसकी इच्छाएँ अतृप्त होती है, उसको तृप्ति के लिए वो आगे भागता है। लेकिन राहु तृप्ति नहीं होने देता। राहु है क्या, कटा हुआ सर है, पेट नहीं है, इसलिए जितना मिलता जाता है भूख उतनी बढ़ती जाती है। तो अगर आप संपन्नता प्राप्त किए हुए हैं, अगर यहाँ पे इस योग का निर्माण हो रहा है तो यह राहु आपको रोड पे ला देगा। लेकिन विपन्नता में आप जन्म लिए हैं तो यह योग आपको संपन्नता की ऊंचाई पे ले जाएगा। बड़े बड़े जो घोटालेबाज मंत्री होते हैं उनकी कुंडली में आपको देखने को मिल जाएगा। सुख की कमी रह जाती है, भोग कितना भी भोग लीजिए लेकिन जो सुख है वो मिलता नहीं। अनिद्रा के शिकार होते हैं, इसलिए ड्रग्स वगैरह का सेवन करना ये भी स्टार्ट कर देते हैं। पंचम भाव में जो ये योग बनता है वो आपको प्रेमी प्रेमिका से धोखा दिलाता है, वो चीटिंग करते हैं, आपकी एजुकेशन बाधित होती है, एजुकेशन प्राप्त करने के संसाधन आपके पास नहीं होते। तो आप जब बड़े होते हैं तो फिर एजुकेशन की संस्थाएँ खोलते हैं, आप वहाँ बड़े बड़े घोटाला करते हैं। आप देखेंगे जिन लोगों के पास बड़े बड़े विद्यालय हैं वो कक्षा 10वीं पास है, 12वीं पास है, किसी तरह एजुकेशन लिए हैं, लेकिन वो आज बड़े बड़े विद्यालय चला रहे हैं। राहु ने भूख पैदा कर दी, हम नहीं पढ़ पाए तो क्या, हम विद्यालय ही खरीद लेंगे, विद्यालय ही चलाएंगे। और प्रेम में धोखा मिलता है, इसलिए भी प्रेम क्या है, प्रेम नहीं करते, व्यापार करते हैं, प्रेम का व्यापार करते हैं। संतान संबंधी कष्ट भी मिलता है,
उधर संबंधित कष्ट भी मिलता है। बुद्धि जो होती है वो षड्यंत्रात्मक हो जाती है, और आपको यहाँ पे इष्ट भी ऐसे मिल जाते हैं, आपको मार्गदर्शक भी ऐसे मिल जाते हैं कि षड्यंत्रात्मक हो जाते हैं। तो प्रेम में जो छल करना या अपने बुद्धि का उपयोग करके जनमानस को बेवकूफ बनाना, क्योंकि पंचम भाव जनता के प्रेम का भी है, तो जनमानस को बेवकूफ बनाना यहाँ पे गुरु चंडाल योग इस तरह के योग को कन्वर्ट करता है। कष्टम भाव, कष्टम भाव में गुरु चंडाल योग होता है शत्रुता होता है, शत्रुओं को मार देने वाला होगा, शत्रुओं को बेरहमी से मार देने वाला होगा। हाँ, लग्नेश अगर आपका पाप, एक ही चीज याद रखिएगा, कोई योग तभी कन्वर्ट होगा, अच्छा है बुरा फल देगा, वो लग्नेश की स्थिति पे। साथ में गुरु और राहु कितने डिग्री पे हैं इस चीज को देखिएगा। अगर गुरु 3 डिग्री पे है, राहु 29 डिग्री पे है, तो फिर क्या होगा, वो राहु गुरु को अच्छी तरह से कैप्चर कर लेगा, लेकिन राहु 5 डिग्री पे है, गुरु 20 डिग्री पे है, तो कैप्चर नहीं कर पाएगा। यद्यपि राहु धुआं धुआं तो करेगा, लेकिन गुरु की जो प्राण वायु होगी वो प्रबल होगी और उसको वो धीरे से हटा देगा। अच्छा, थर्ड हाउस में बैठा हुआ, एक और चीज बताता चलता हूँ, लगन में बैठा हुआ आपको मानसिक अटक देगा, सेकंड हाउस में बैठा हुआ आपको मुख संबंधी विकार दे देगा, थर्ड हाउस में बैठा हुआ गुरु चंडाल योग आपके लंग्स को खराब कर देगा, धुआं 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 कर देंगे आप अपने गले में, तो सांस लेने में तकलीफ होगी। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ आपको हार्ट अटैक दे सकता है, पंचम भाव में बैठा हुआ उधर कष्ट जरूर देगा, संतान कष्ट देगा, संतान होके खत्म हो जाना, संतान ना होना और संतान प्रतिबंधित योग बन जाना, इस तरह की चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है। कष्टम में जो राहु होता है वो भी आपको कोई ना कोई ऑपरेशन दे देगा, हार्निया वर्निया से रिलेटेड ऑपरेशन दे देता है, लेकिन शत्रु अंत यहाँ बना देता है। सप्तम में आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर देगा, और ऐसे लोग फिर वेश्यागामी भी हो जाते हैं, और स्त्रियां हैं तो वो भी उसी तरह, क्योंकि एक ही शब्द है दोनों के लिए, यहाँ स्त्री पुरुष नहीं है, जातक जातिका है। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ ये जरूर कराता है, ज़्यादा अक्सर ऐसा भी देखा गया चतुर्थेश पीड़ित हो या चतुर्थ में पाप प्रवाह हो, लग्न में पाप प्रवाह हो, तो फिर ये लोग धंधा करना शुरू कर देते हैं, या जो लोग धंधा करते हैं बड़े लेवल के स्तर पर उनके कुंडली में इस तरह के योग आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का है, इसलिए व्यापार करना या व्यापार में चीटिंग करना, दूसरे के व्यापार को हड़प लेना, उस लोग काम करते हैं कलिंग बनते हैं और सहायक बन के फिर मालिक का ही हड़प लेते हैं, सहायक बन के स्वतः मालिक बन जाते हैं, वो यहाँ पे योग परिवर्तित होता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव जो है ना सबसे खतरनाक भाव है राहु के लिए। अष्टम भाव शास्त्रीय कहते हैं अष्टम भाव में राहु कब्र में गिरता हुआ हाथी है, कब्र में गिरता हुआ हाथी है अष्टम भाव का राहु। राहु स्वतः अस्वाभाविक चीजों को देता है, मतलब कल क्या होगा अगले क्षण क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन अष्टम भाव में अगर राहु आ जाए तो इसकी अस्वाभाविकता बहुत बढ़ जाती है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं है, मौत कब आ जाएगी, दुर्घटनाएं कब आ जाएंगी पता नहीं है। अष्टम भाव शनि का जो है, शनि का घर माना जाता है, आप कह लीजिए शनि का मुख्यालय है, तो यहाँ पे राहु को शनि की सहायता प्राप्त होती है। अष्टम भाव में जब राहु गोचर करेगा, अष्टम भाव में राहु रहेगा, तो यहाँ पे आपके जीवन में अड़चने ज्यादा देगा, अस्वाभाविकता ज्यादा देगा, मौत का डर हर क्षण होगा। आप जा रहे होंगे रोड पे, अचानक काली चीजें आ जाएंगी, अचानक कोई टर्न ले लेगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अष्टम भाव का जो राहु होता है ना, एक होता है यहाँ पे गुरु चंडाल योग, अगर लग्नेश के साथ बन के बैठ जाए अष्टम भाव में, एक होता है ना कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते की मौत वाली कंडीशन होती है। अष्टम भाव में अगर गुरु राहु के साथ बैठ के चंडाल योग निर्माण कर रहा है, तो आपका सेकंड हाउस गया, फिफ्थ हाउस गया, नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ गए, सारी चीज़ें यहाँ पर चली जाएंगी। और फिर अष्टम भाव किसका है, गहराई का। ऐसे लोग आध्यात्म की गहराई में जाते हैं या तंत्र विद्या सीखते हैं और अपने आप को सुघोषित शंकराचार्य या कोई स्वरूप बना के पैदा हो जाते हैं, मैं ये फला अवतार हूँ, मेरे ऊपर फला की कृपा है, तो इस तरह के लोग संसार में ऐसा भी काम करते हैं, लेकिन इनकी जो मौत होती है वह अस्वाभाविक होती है। जितने भी तांत्रिक होते हैं वो स्वाभाविक मौत नहीं मरते, उनकी मौत ऐसी ही होती है, गुप्त रोग भी दे देगा, खुद दूसरों का इलाज करेंगे लेकिन खुद जो है पाइल्स वगैरह से बुरी तरह से पीड़ित रहेंगे। नवम भाव, नवम भाव में गुरु, क्योंकि गुरु का घर है, गुरु यहाँ कारक है, तो कारक होने की वजह से गुरु को सुहत प्राप्त होता है, लेकिन वो सब कुछ खींच नहीं पाता, राहु उसको कैप्चर कर लेता है यहाँ भी। तो राहु यहाँ पे गुरु को
मंत्र की अपेक्षा तंत्र की ओर उन्मुख कर देता है, तंत्र साधना कराता है, धर्म विरोधी काम कराता है, या दूसरे धर्म को कैप्चर कर लेता है, या दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार कराता है। तो जो लोग दूसरे धर्म को अपना लेते हैं उनकी कुंडली में भी यह योग आपको मिलेगा, या उनकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो दूसरे धर्म में चले जाएंगे, फिर अपने धर्म के लोगों को भी उस धर्म में जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि वो स्वतः कैप्चर हो गया, दूसरों को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। कर्म भाव, कर्म भाव में गुरु चांडाल योग बन जाए तो आप जो कर्म करेंगे वो आपके कर्म को मान सम्मान दिया जाएगा, आपके काम में त्रुटि निकाली जाएगी, इसलिए अचानक आप विस्फोटात्मक हो जाएंगे और फिर वहाँ बड़ा सा काम कर देंगे, बड़ा फाल्ट कर देंगे। संस्था में काम करने वाले लोग संस्था का गवर्न कर जाते हैं, वो यही लोग होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, राहु आपकी स्टार्टिंग कैसे दे रहा है। अगर आप अच्छे हैं तो गुरु चांडाल योग आपको एक दिन नीचे ले आएगा। अगर आप नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, आप प्यून हैं और आपके कुंडली में बना हुआ है, तो आप एक दिन कैप्चर करके मैनेजर तक बनेंगे। आप आकाश पे हैं तो जमीन पे ला देगा, जमीन पे है तो आकाश पे ले जाएगा। हैंड टू माउथ है तो आपके पास सारी सामग्री अवेलेबल कराएगा, और सारी सामग्री लेके पैदा हुए हैं तो रोड पे खड़ा कर देगा भीख मांगने के लिए। ये गुरु चांडाल योग में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपकी कुंडली में कहाँ बन रहा है उसको ध्यान रखिएगा, और उसकी रेमडीज को कहाँ कनेक्ट करना है, कहाँ डिसकनेक्ट करना है, इसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और कोई चीज़ समस्या आती है तो आप फ़ोन करके वार्ता कर सकते हैं। एकादश भाव में, एकादश भाव लाभ का घर है, तो यहाँ पे लाभ के लिए रुकावटें आती हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए रुकावट आती है। आप पता लगा सब्जी का ठेला लगाने गए, वहाँ के लोग आपको सब्जी का ठेला लगाने नहीं देंगे। आप गाड़ी चलाना शुरू किए, ऑटो चलाना शुरू किए, वो लोग आपको ऑटो चलाने नहीं देंगे, परेशान करेंगे। ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि फिर आदमी विस्फोटात्मक हो जाता है, पूरा कैप्चर कर लेता है। जहाँ पे संसाधन नहीं मिल रहे हैं उस संसाधनों का विकास करता है, उसको एक छोटी सी नौकरी नहीं मिल रही है वैसी चीज़ों का निर्माण करता है जहाँ पे अब कई लोगों को जाप दे सकता है। यहाँ पे जो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है इस तरह जो है करवट करता है, और बात जातक को बहुत ज़्यादा पैसा देता है, आय के स्रोतों का विकास कराता है। बंधु बांधव बड़े भाई भी सपोर्ट नहीं करते, बाद में वो इन लोगों के भी नकारात्मक ही सोच रखता है, लेकिन आय के मार्गों को वो किसी न किसी तरह से खोल ही देता है। द्वादश भाव, व्यय भाव, मोक्ष का भाव, यहाँ पे राहु जो बैठता है तो जातक के आय के जो खर्च के कार्य है ना, या खर्च की जगह उनको बिगाड़ देता है, गलत जगह पर खर्च करता है, नशेड़ी बना देता है, और ऐसे लोगों को जेल जाना पड़ता है। आप देखेंगे जो जेल में सजा याफ्ता कैदी हैं, जिनको ताउम्र जेल हो गई है, उनके कुंडली में यह योग अधिकांश से आपको देखने को मिल जाएगा। तो गुरु चांडाल योग कहीं भी शुभ फल नहीं देता, हाँ कुछ लग्नों में या उस चीज़ों को बढ़ा देता है, भूख को बढ़ा देता है। राहु के अंदर क्या भूख है, जिस पार्ट को में बैठेगा उस पार्ट की भूख को बढ़ा देगा। अगर प्रेम में बैठेगा तो प्रेम की भूख, सप्तम बैठेगा सिक्स की भूख, एलेवेंथ में बैठेगा तो आय की भूख, सेकेंड हाउस में बैठेगा तो खाने की, कितना खा लें। कुछ लोग जीवन में बहुत खाते हैं, उनको पेट ही नहीं भरता, स्मोकिंग करते हैं तो पूरा एक डिब्बा पी जाते हैं, दारू पीना शुरू करते हैं तो एक बाटल पी जाते हैं, उनके कुंडली में इस तरह के योग कन्वर्ट होते हैं। तो कैसे बचे, बचने के लिए गुरु के रेमडीज को आप कनेक्ट करें, गुरु के रत्नों को धारण करें। अब लग्नवाइज धारण करना, ऐसा नहीं है कि आपकी तुला लगन है आप धारण कर लीजिए, आपकी मकर लगन है धारण कर लीजिए, उल्टा हो जाएगा। तो आप पहले अपनी कुंडली चेक करें, किस लग्न के जातक हैं आप, उस लग्नानुसार आप स्टोन धारण करें, ग्रहों के रेमडीज को कनेक्ट करें, और राहु की रेमडीज को आप डिस्कनेक्ट करें, राहु संबंधित चीज़ों का दान करें। शॉर्टकट से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जीवन शॉर्टकट से नहीं चलता। जीवन को सुख और शांति से व्यतीत करने के लिए सही मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जानबूझ के शॉर्टकट अपनाता है, शॉर्टकट अपनाने के पीछे कारण होता है कि जब जो चीज़ें उसको चाहिए होती हैं उस समय नहीं मिल पाती। गुरु उसको देना चाहता है, लेकिन राहु के धुएं से वो इतना पस्त हो जाता है कि जब चीज़ें चाहिए उस समय वो अवेलेबल नहीं करा पाता, और वहाँ पे राहु अवेलेबल करा देता है। तो आपको जब धर्म की सहायता चाहिए होती है, धर्म नहीं मिलता, तो आप इसलिए अधर्म करते हैं। आपको सन्मार्ग पे चलने से फायदा नहीं होता तो आप कट मार के पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, और राहु आपको वहाँ सपोर्ट करता है, आपको बहुत इजीली लोगों से कनेक्ट होते हैं, पैसा कमा लेते हैं। इसलिए आपकी प्रवृत्ति क्या होती है, राहु जनित कार्य करने की। तो ये था द्वादश भाव में गुरु चांडाल योग कैसे फल देगा, शेष फिर चर्चा करेंगे।